तो ये रहा हमारे बुलेट का कार्बोरेटर, जिसके अंदर पेट्रोल सड़ गया है, जिसकी वजह से पूरा कार्बोरेटर चोक हो गया है। ठीक है, और दिखाता हूँ, ये देखो ये जितना भी है ना पूरा पेट्रोल सड़ के जमा हो गया। तो करते हैं क्लीन। तो बुलेट का कार्बोरेटर इसे क्लीन कर चुके हैं, तो करते हैं इसकी फिटिंग। तो ये इसका स्लो जेट है, ये जाएगा इस होल के अंदर। इसका स्लाइड का ये जाएगा इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा, चला गया। ये वाला जो खांचा दिख रहा है देखो, यहाँ पे एक कट है और यहाँ पे एक पिन निकला हुआ है इस तरफ पे, ये पिन है, ये आमने सामने आना चाहिए स्टॉप का। तो ऐसे पेचकस की मदद से इसको हल्का सा घुमा लेंगे। तो देखो लाइन पे आ गया, क्लियर करते जाना। ठीक है, ये देखो लाइन, ये देखो अब दिखाता हूँ, ये लाइन और ये कट आमने सामने आ जाएंगे तो लग जाएगा। तो ये बैठ गया। ठीक है, फिर आएगा हमारे ये वाला वॉशर, इसका मेन जेट। ये इसका फ्लूट का है। ठीक है, इस शॉप पर तो ये लगा चुके हैं। ठीक है, इसे टाइट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, या ये टूट जाएगा चाहे इसका एल्यूमिनियम यहाँ से फट जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर कर, ये एल्यूमिनियम टूट जाएगा या तो ये ब्रास का जो है ये टूट जाएगा, इसे बहुत ज़्यादा फोर्स से टाइट नहीं करना है। और कभी भी अगर कार्बोरेटर के ओवरफ्लो नहीं रुक रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दबना चाहिए आराम से, फ्री होना चाहिए और इसके साइड में भी क्लीन होना चाहिए, इसके अंदर ये बहुत फ्री होना चाहिए। जैसे चाल है ना, ये चाल होना चाहिए, नहीं तो ओवरफ्लो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बाउल हो गया, ये हमारा फ्लोट वॉल है, फ्लोट बोल सकते हैं, बोलते क्या है। ये लग गया, अब इसके बाद आई है हमारी पैकिंग। ये हमारा बाउल लग जाएगा। ये लग गया,
चालू तो कर।